प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत प्रोग्राम प्राइम टॉक दे विच मैं हाँ अवनीत सिंह तेजा। प्राइम टॉक दे विच जिवें तुसीं जानदे हो कि वख-वख विषयां दे उपर गल करदे हां ते खास करके कैनेडा नाल जुड़े हुए मुद्दों के उपर असीं काफ़ी चर्चा करते हैं ते जदों असीं कैनेडा का ना ही लैंदे हां ते साढ़े जहन दे विच आ जांदा ध्यान दे विच आ जांदा उन्हां विद्यार्थियों बारे जिहड़े तैयार बर तैयार बैठे ने भारत दे विच पंजाब दे विच ते आउणा चाहुंदे ने कैनेडा पढ़ाई दे बेस दे उपर स्टडी बेस दे उपर ते पर जे वो इत्थे पढ़ाई दे बेस दे उपर आना चाहुंदे आ पढ़ आना चाहुंदे आ पर उन्हां नूं सही रस्ता ही कई बार पता नहीं लगता ते गलत रस्ता अख्तियार करके जां गलत कोर्सेज लैके इत्थे पहुँच जांदे आ ते बाद विच एक अजिही भटकण शुरू हो जाती है जिस विचों निकलदिआं कई साल लग जांदे आ। साडी कोशिश यह हुंदी है कि उन्हां विद्यार्थियों नूं सही जानकारी दित्ती जावे ते इस वास्ते मेरे नाल अज ओम ग्लोबल तों ने पुनीत खन्ना जी। पुनीत जी स्वागत तुहाडा, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीत जी। सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। नहीं जी, आप शुरू तो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे अजिहे विद्यार्थी ने जिन्होंने इस साल प्लस टू कर लेनी है जां जिन्होंने अगले साल करनी है तो उन्होंने मन दे विच यही है, उन्होंने परिवारों के मन में यही है कि इन्हों आइल्स करा के तो आप कैनेडा भेज देना पढ़ने वास्ते जी। मैंने दस्यो कि जो आप शुरुआत ही करते हैं जो एक ख्याल ही मन के विचार आता कि मैं कैनेडा पढ़न जाना जी तो उसकी तैयारी कितों शुरू करनी चाहिए है? देखो बिल्कुल सही गल है, जो आप शुरुआत कर लें जो स्टूडेंट ये गल सोचता है कि मैं कैनेडा पढ़ाई कर जाना वो तैयारी शायद वो 10th स्टैंडर्ड तो ही शुरू हो जाती है क्योंकि अज की डेट के कोई भी एम्बेसी है कोई भी कंट्री है वह पहला स्टूडेंट के अकैडमिक स्कोर देखती है कि जोड़े बच्चे के 10वीं के प्लस टू के उत्थे स्कोर चंगा उ एलीजिबल है एक स्टूडेंट वीज़ा पर आके किसी होर कंट्री आके पढ़न ली। सेम गोज़ विद कैनेडा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल इस करके होंगी है कि तुहाडा जिहड़ा अकैडमिक स्कोर है वह अप टू द मार्क नहीं है कि जो सानू चाहिए। बहुत सारे कोर्सिस दे विच कोर्स सिलेक्शन जिहड़ी हैगी है वह कित्थे कित्थे जाके स्टूडेंट अपना डिसाइड नहीं कर पाता जो वो को प्लस टू के मैथ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के को प्लस टू के जो तुम कॉमर्स कर लें या मैडिकल कर लें मैथमैटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता उदो बहुत सारे कोर्सेज ऑटोमैटिकली कैनेडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तुहाडी एलीजिबिलिटी खत्म कर देंदी है कि मैथ की रिक्वायरमेंट हैगी है, तुसी मैथ नहीं पढ़िया तो तुहानू उहदे विच एडमिशन नहीं मिलनी। सो बेसिकली सारी चीज़ की तैयारी तो 10th तो 10th स्टैंडर्ड तो ही हो जाती कि 10th दे विच चंगे नंबर लो, प्लस वन प्लस टू दे विच जिहड़े सबजैक्ट्स रखे है जिहड़ा स्टूडेंट उत्थे डॉक्टर बनना चाहता इंजीनियर बनना चाहता उहनू पता है कि मैं नॉन मैडिकल रखना, मैं फिजिक्स कमिस्ट्री बायो पढ़नी है, मैं मैडिकल करना। सो अल्टीमेटली सेम गोज़ विद वीज़ा ऑलसो, अज की डेट जे तुसी इह डिसाइड करदे हो कि मैं कैनेडा जाके पढ़ाई करनी चाहना तो तुहानू पहला ही सोच के रखना पैना कि मैं कोर्सिस केड़े उत्थे जाके पढ़ने हैं और उहदा बैकग्राउंड की होना चाहिए तो मैं वो कोर्सिस दे विच इंडिया तो एडमिशन लैके चला। बिल्कुल, तो जिवें तुसीं आख्या कि 10वीं तो ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए है। कई बार आपां कहिंदे आ चलो 12वीं जाके सोचांगे, प्लस टू जदों करदे होवांगे आखिरी साल तो उदों आइल्स कर लांगे तो आपां बाहर नूं उडारी मार जावांगे, पर तुसीं बहुत वधिया ढंग नाल दस्सिया कि तैयारी तुहानूं 3 साल पहला शुरू करनी पैनी है, 10वीं दे विच 10वीं दे नंबर लेने बेहद जरूरी है। हुण जो 10वीं दे विच किन्ने कु परसेंट नंबर होण कि तुहाडी फाइल जिहड़ी है चंगी वधिया सॉलिड बन जाती है? देखो जे आपां मोटी मोटी गल कर लईए तो फर्स्ट डिवीजन जिहनूं आपां कहिंदे आ वो स्टूडेंट नू जरूर सिक्योर करनी चाहिए 60% नंबर, वो चाहे 10th है वो चाहे प्लस टू है, इन्हां दोनों क्लासेस दे विच 60% नंबर अबव होन। बहुत चंगी गल की है कि पंजाब दे विच आज दी डेट दे विच आइल्स आइल्स का जो स्कोर आप देख लीए पिछले 2-3 साल तो मैं रियलाइज़ किया कि इंग्लिश प्रोफिशियंसी अपने स्कूलों के शायद इंग्लिश लैंगुएज की जी टीचिंग है या अपने स्टूडेंट्स का आइल्स वाल कंसनट्रेशन लैवल इन्ना क वधिया कि आइल्स का स्कोर ऑन एन एवरेज पंजाब दे विच स्टूडेंट का वध गया। अगे जिते 5-5.5 बैंड से खड़े हो जाते स्टूडेंट अज पंजाब तो मैक्सीमम स्टूडेंट 6-6.5 बैंड लैके डॉक्यूमेंट आइल्स का सर्टिफिकेट लैके नाल आता। सो आइल्स इज द नैक्सट कि जो तुम अपनी प्लस टू कर ली या ग्रेजुएशन भी कर ली उस तो बाद आइल्स का पेपर दिने आइल्स के पेपर तुहाडा स्कोर आ जाता दैन यू डिसाइड कि मैं हुण कित्थे जाना चाहना। आइल्स इत्थे एक इंपॉर्टेंट रोल होर भी प्ले करता, वो प्ले करता क्यों? क्योंकि कैनेडा का स्टूडेंट वीज़ा रूल्स जिहड़ा SDS प्रोग्राम स्टार्ट होया स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम 6 ईच अज की डेट से रिक्वायरमेंट है, जिस स्टूडेंट के 6 ईच बैंड ने वो डायरैक्टली SDS के अप्लाई कर सकता। ऑन दी अदर हैंड जे 6 ओवरऑल ने किसी एक मोड्यूल तो 5 बैंड ने या 5.5 बैंड ने उदा मतलब सिर्फ इन्ना है कि तुहाडी वीज़ा अप्लाई करन दी कैटेगरी चेंज हो गई, तुसी SDS च अप्लाई नहीं कर रहे जनरल कैटेगरी या नॉन SDS च अप्लाई कर रहे हो,
वीज़ा सक्सैस रेट का वो उत्ते कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर आ जाने आप कोर्स चूज़ करते या सिटी चूज़ करते या कॉलेज चूज़ करते। सो कॉलेज की जो अज की डेट से गल कर लिए तो कैनेडा दे विच हर स्टूडेंट की जो पंजाब तो या नॉर्थ इंडिया तो ही कह लव फर्स्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अज की डेट से कैनेडा है। किसी टाइम तो कोई यूएसए यूके या ऑस्ट्रेलिया रेंदे सके, बट अज हर स्टूडेंट नूं जिन्हों भी तुसी पुछ लोगे कि पहली तेरी प्रेफरेंस की है, हर स्टूडेंट कहता कि मैं कैनेडा ही जाना चाहना। सो उस करके जिहड़े मैक्सिमम कॉलेजेस ने या यूनिवर्सिटीज़ ने जिन्नी जल्दी आपां अप्लाई कर दिए उन्ना चंगा, क्योंकि सीट्स की अवेलेबिलिटी या तुहाडे मनपसंद कोर्स की जिहड़ी अवेलेबिलिटी हैगी है वह जल्दी फटाफट नालों नाल मुकदी रहिंदी है। फिर तुहानूं कॉम्प्रोमाइज़ करना पैंदा किते ना किते कि यार चल ठीक है मैं दूसरा कोर्स लैके देख लैना, तीसरा लैके देख लैना, उहदे च इंट्रस्ट नहीं बनता। जदों तुसीं इत्थे आउंदे हो फिर आके चेंज करन दी गल करदे हो कि यार नहीं मैं आह कोर्स करना चाहुंदा सीगा बट हुण मैनूं एडमिशन नहीं मिली, दूजे कोर्स दे विच चल गया, हुण मैं बदलना। ठीक है, सो जिन्नी टाइमली आपां अप्लाई कर देंगे, जिन्नी जल्दी आपां अप्लाई कर देंगे उन्ना चंगा। जे अज दी डेट च भी गल कर लईए बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दे विच कैनेडा च सितंबर 2020 दे विच दाखले हो रहे ने। अच्छा, जेड़ा अज तो एक साल बाद दी गल कर लईए कि जे कोई स्टूडेंट पढ़न आना चाहुंदा तो कई यूनिवर्सिटियां सितंबर 2020 दे जाके एडमिशन लै रही हैं। ठीक है, और तुसीं एक शब्द वरत्या कि मनपसंद कोर्स जी, पर मैनू जिन्ना क जानकारी है बहुत सारे अजिहे विद्यार्थी ने जिन्हां लई मनपसंद कोई ना ही है नहीं, वो कोई चीज़ ही है नहीं, वो कहिंदे कोर्स होना चाहिए कनेडा होना चाहिए, जहाज की टिकट होनी चाहिए, लैंडिंग होनी चाहिए, बाकी गल्लां बाद च वेखांगे। ये जिहड़ा वर्तारा है ये किन्ना कु सही है? देखो मैं बहुत ज़्यादा तुहाडे गल नाल एग्री करदा कि बहुत सारा स्टूडेंट जिहड़ा अज दी डेट च भी उत्थे ऑफिसिस दे विच विजिट करदा तो उहनूं जदों पुछया जांदा कि तूं किहड़े कोर्स च जाना चाहना या किहड़े कॉलेज जाना चाहना तो किते ना किते ये जवाब रोज़ सुणन नूं मिलदा कि भाजी कॉलेज कैनेडा च होना चाहीदा, कोर्स कोई भी होए जिहड़ा सौखा हो जाए। बिल्कुल, सो जिहड़ा स्टूडेंट आ के इत्थे पढ़ाई करन बारे सोच रहा, हर स्टूडेंट की अपनी एक रीज़न है आन दा। ठीक है, हर बच्चा बड़ा कड़वा सच है, हर बच्चा पढ़ाई करन नहीं आता। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिहड़े इत्थे कम करन आते हैं कि पढ़ाई दे नाल पढ़ाई दे रस्ते उत्थे चल जांगे, नाल कम बहुते बच्चे ने जिहड़े पढ़ाई करन नहीं आते। बहुत सारा स्टूडेंट इदां दा जिहड़ा आंदा ही सिर्फ इस करके या पढ़ाई भी सिर्फ इस करके करदा कि कल नूं मैं पीआर लैनी है पक्का होना। सो अल्टीमेटली हर स्टूडेंट का अपना एक रीज़न है, हर स्टूडेंट का अपना एक कारण हैगा आन दा। वह जदों फिर वह कोर्स की प्रेफरेंस वो नहीं दिंदा कि मैनू कोई कोर्स का मतलब नहीं हैगा, मैनू किसी कॉलेज नाल मतलब नहीं हैगा, कॉलेज कैनेडा दे विच होना चाहिए या टोरोंटो हो जाए तो बहुत वधिया, क्योंकि पहली प्रेफर डेस्टिनेशन अज की डेट च भी GTA कह लिए या टोरोंटो वाला एरिया जिहड़ा वो स्टूडेंट की अज भी फर्स्ट प्रेफर डेस्टिनेशन है। दैन ही डिसाइड कि मैं जल्दी जाना चाहना कि तुसीं कह रहे हो कि सितंबर 2020 सीटां अवेलेबल ने, हुण तुसीं पहलां आ जाओ मैनूं दसो जनवरी च किहड़े कॉलेज मिल सकदा, होर तुसीं पहलां आ जाओ मैनूं दसो सितंबर 2019 च वी कोई कॉलेज मिल सकदा, कि जिन्नी जल्दी मेरा वीज़ा लग जाए उन्ना चंगा, उन्नी जल्दी मैं उत्थे चल जूँगा, उन्नी जल्दी मेरी पढ़ाई शुरू होगी, पढ़ाई खत्म होगी, वर्क परमिट लऊंगा, वर्क परमिट लऊंगा तो फिर PR दे पासे तुरूंगा। सो स्टूडेंट जो ऑफिस दे विच विजिट करता अद्धा क तो फ्लाइट च बैठा ही आता है कि हूँ ही भेज दो मैनू इत्थों दी। सो तुहाडी गल बिल्कुल सही है कि कोर्स प्रेफरेंस किते ना किते स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ करन नू तैयार है, उन्हूं कोई फर्क नहीं है कि मैनू जिहड़े मर्जी कोर्स या कॉलेज विच पा दो, बट ये सारिया चीज़ों का जे ख्याल रख्या जाए तो इत्थे आ के ना बहुत ज़्यादा सौख हो जाती। बिल्कुल, ये मेरे कहन का मतलब ये सीगा ते पुछन का मतलब भी ये सीगा, क्योंकि जिहड़े विद्यार्थी इस तरह सोचते हैं तुसीं शायद उत्थों सिर्फ प्लेन चढ़न तक ते इत्थे उतरन तक सोचते हो, उस तो बाद दी जिंदगी बारे इन्नी गंभीरता नाल नहीं सोचते। जे तुसीं उन्हूं गंभीरता नाल सोचो तो तुहाडी जिंदगी कैनेडा विच आ के सुखाली हो सकती है। हुण इस दे नाल संबंधित बहुत सारे सवाल जिहड़े साडे दर्शक वेख रहे उन्हां दे मनां विच वी होणगे, उह तुहाडे नाल संपर्क स्थापित करना चाहुंदे होणगे, किस नंबर ते संपर्क कीता जा सकदा, कित्थे कित्थे तुहाडे ऑफिस ने, कित्थे विजिट कीता जा सकदा, उहदे बारे जानकारी दिओ। देखो इंडिया दे विच पंज जगह ऑफिसिज़ ने, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, करनाल, यमुनानगर, तुसीं किसे भी ऑफिस विजिट कर सकते हो। इंडिया का जिहड़ा नंबर हैगा तुसीं फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हो, जे मैं इंडिया वा इंडिया, जे मैं कैनेडा वा कैनेडा, इंडिया जिहड़ा नंबर चलता है 9161 9167 फोन नंबर है, इहदे ते फोन करके जिहड़े मर्जी ऑफिस विजिट करो, जाके अपनी इनफॉर्मेशन लो, सारी चीज़ की नॉलेज लो कि तुहानू किहड़ा कोर्स किहड़ा कॉलेज या की तुहाडी रिक्वायरमेंट हैगी है। जो कोई स्टूडेंट इत्थे आना चाहता या जे कोई अपने रिश्तेदार नूं उत्थों बुलाना चाहते हो, मैं अगले 15 दिन होर कैनेडा हैगा वा तो इत्थे मेरे कोल 2899362576 नंबर के उत्ते मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सो दैट आपां इस बारे तुहाडे कोई भी क्वेश्चन ने उन्हां दे जवाब तुहानू दिते जाणगे। जी
ਨਿਜੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद प्राइम टॉक में आप सब का स्वागत। पुनीत जी, हुण विद्यार्थी ने कोर्स सिलेक्ट करना, कई बार खुद नहीं इन्ना नॉलेज होंगी, उन्हें कोई जानकारी नहीं होंगी, कई बार मापियां नूं भी नहीं होंगी जी, फिर तुसी गाइड कर दे उस मामले दे विच कि तेरी स्टडी जिस तरह की हैगी है, हुण तक तेरा जो रिकॉर्ड रहा पिछे जिस तरह की एजुकेशन का, तेनू ये कोर्स लै लेने चाहिए आ, ते जे ओह कोर्स लै लेना ते भविख दे विच कित्थे कित्थे ओह फायदेमंद हो सकते आ। राइट जी, देखो बेसिकली उही गल है कि पंजों उंगलियां बराबर नहीं है। सो जिस तरह का तुसी इस चीज़ के उत्ते डिपेंडेंट होकर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा कज़न इस तरीके दे नाल चला गया, मेरा रिश्तेदार या मेरा गुआंढी उस तरीके दे नाल चला गया। हर बच्चे का प्रोफाइल अलग है, हर बच्चे दे सब्जेक्ट वक्रे ने, नंबर वक्रे ने, आयल्स का स्कोर वक्रा है, जिहड़ी स्टेट या जिहड़े प्रोविंस या जिहड़ी सिटी चो पढ़न जाना चाहता वह वक्री है, उहदी कोर्स की डिमांड वक्री है। सो जो ये सारिया चीज़ा सामने रखिया जाती, वो डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, उस तो बाद प्रेफरेंस दी जाती है कि ये ऑप्शनस ने। अज की डेट के उही गल है कि कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मैं मैनू काली कोई नहीं हैगी, मैं बैचलर्स डिग्री ही करन जानी है, एक चंगी यूनिवर्सिटी के विच ही जानी है, मैं इंडिया च भी 90% नंबर स्कोर किए हैं और इदा दे स्टूडेंट हैगे रेगूलर आते हैं, बट मैनू जल्दी कोई नहीं हैगी, मैं किसी कम्यूनिटी कॉलेज नहीं जाना, मैं डिप्लोमा कोर्स के जाना ही नहीं है। उन्होंने उस तरीके के नाल उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ दी ऑप्शनस दित्ती जांदियां और दस्या जांदा कि कि जगह वो कोर्सेज अवेलेबल ने। ऑन दी अदर हैंड एक स्टूडेंट आंदा कि भाजी मैं सुनया कि इलैक्शन है कैनेडा दे विच अक्टूबर दे विच, ते इलैक्शन तो बाद स्टूडेंट वीज़ा स्ट्रिक्ट हो जाना, उत्थे सरकार बदलन वाली है। इत्थे दे लोकां नूं चाहे घट पता है कि इलैक्शन होण लगे ने ते किन्नी तरीक नूं ने ते किहड़ी गवर्नमेंट आनी है कि नहीं आनी, पंजाब च बैठे लोगों को पता है कि इत्थे इलैक्शन होने वाले है, तो गवर्नमेंट बदल जानी, तो स्टूडेंट वीज़ा के रूल स्ट्रिक्ट हो जाने, तो इस करके मैनू तुसी अज ही भेज दिओ, मैनू सरकारी कॉलेज जिहड़ा मिलता लै दो, मैनू कोर्स जिहड़ा मिलता लै दो, मैनू प्राइवेट कॉलेज लै दो, मैं एक बार जो उत्थे चल जूँगा उत्थे जाके मैनू पता है कि मैं चेंज कर सकदा, मैं 6 महीने बाद चेंज कर लाँगा, साल बाद कर लाँगा, मेरे को बहुत सारिया ऑप्शनस ने। जे मैं एक बार कैनेडा पहुँच गया, जे मैं इत्थे ही रह गया तो कल नू इस रूल चेंज हो गए, सख्ताई हो गई जो अज की डेट आस्ट्रेलिया ने हाल किया, फिर मैं कितने इत्थे जोगा ही ना रह जा। सो हर स्टूडेंट का अपना एक वक्रा माइंडसैट है, वो पेरेंट्स का एक वक्रा माइंडसैट है। सो वो जदों तक वो गल नहीं पूरी समझ लगती कि चॉइसिस की ने या उदिया प्रेफरेंसिस की ने, उन्नी देर तक उन्हू काउंसलिंग नहीं की जा सकती कि उदा कैनेडा दा वीज़ा केड़े कॉलेज केड़े कोर्स या केड़े इनटेक च लगू। बिल्कुल, हुण तुहाडे को जे किसी स्टूडेंट ने आना जां किसी पेरेंट ने आना अपने बच्चे बारे पुछण वास्ते, शुरू दे विच कोई उहदे वास्ते फीस हैगी है जो सलाह दिंदे हो, कोई मशवरा दिंदे हो, जां पहली जिहड़ी विजिट है उह मुफ्त हुंदी है? देखो फस्ट विजिट की गल ही ना करिए, अल्टीमेटली जदों तक स्टूडेंट का वीज़ा नहीं लगता उदों तक स्टूडेंट तो कोई पैसा नहीं लिता जाता। अच्छा जी, सारे पैसे जिहड़े स्टूडेंट दिंदा वीज़ा लगन तो बाद लिते जाते हैं। बहुत सौखा अज की डेट के पंजाब दे विच हर दूसरा बंदा अपने ऑफिस के बाहर अपनी दुकान के बाहर बोर्ड ला लैंदा स्टडी अब्रॉड स्टडी इन कैनेडा। जो आप ध्यान नाल देखिए, मैं पिछले 15 साल तो ये काम कर रहा, जो आप ध्यान नाल देखिए बेसिकली ये भी एक साइंस है, बहुत सारिया टैक्नीकैलिटीज़ ने जो स्टूडेंट की एडमिशन अप्लाई होनी है, जो स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई होना, जो सारिया चीज़ों को ख्याल नहीं रखा जाऊगा। पिछे जे मैं न्यूज़पेपर च देख रहा सी, मेरे इत्थे होण दी होई गल है कि मोगे दे विच 150 बच्चा इदा दा जिन्हां दा वीज़ा रिफ्यूज़ होया फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स करके और बैन लगे 5-5 साल दे, सारे बच्चे दे उत्ते। सो अल्टीमेटली तुसी अपनी फाइल ही नहीं दे रहे किसी दे हाथ च, जदों तुसी फाइल फड़ा रहे हो अपनी लाइफ अपना फ्यूचर उहदे हाथ विच नाल फड़ा रहे हो, जदों फ्यूचर फड़ा रहे हो नाल तुसी उहनूं पैसे भी दे दिओ 25,000-30,000, उस बच्चे बंदे ने तां उदों 25,000-30,000 अपनी जेब च पा लिया, उहनूं तुहाडी फाइल च कोई इंटरस्ट नहीं रह गया। उहदे अपने दफ्तर दे खर्चे चलने शुरू हो गए, उहदे स्टाफ दे खर्चे चल गए, उसे 25,000 दे नाल तुसी गिनती कर लो कि जे तुहाडे वर्गे रोज दे 3-4-5 जणे वी उहनूं पैसे दे गए ते कित्थे तक उहदी गल पहुंच जांदी। ऑन दी अदर हैंड जदों तुसी पैसे ही उस टाइम देने हैं जदों तुहाडा वीज़ा लग गया, वीज़ा तुहाडे सामने है, तुहाडे हाथ दे विच हैगा, फिर स्टूडेंट नूं इह हुंदा कि हाँ हुण मेरा काम हो गया जी। जदों उहनूं इह लगदा कि हाँ मेरा काम हो गया, हुण मैं पैसे देते, हुण मैं कैनेडा जा रहा, उस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा, रादर दैन वीज़ा भी रिफ्यूज़ करा लिया, पैसे भी खराब कर ले, फिर कॉलेजों तो फीस वापस मंगा रहे हो, 2-2 महीने फीस नहीं वापस आती,
फिर जिहड़ी टीटी हुंदी आ इंडिया टू कैनेडा उहदे च बड़ा कुछ चलदा जी, एजेंट टीटी करा दिंदा, वक्खरियां वक्खरियां कंपनियां दे विच एजेंट दे अपने ही अकाउंट्स ने, उन्हां अकाउंटां दे विच जदों तुसीं टीटी कराणी आ 2 रुपए 3 रुपए डॉलर दा मार्जन है, जी आई सी मिला लीए तो कॉलेज की फीस मिला लीए तो 20,000-25,000 डॉलर ट्रांसफर करना होंगे, जो 25,000 डॉलर के मगर 2 रुपए का मार्जिन यह भी अकाउंट कर लीए तो 50,000 रुपया तुम वह भी फालतू दिने, फिर जो रिफ्यूजल तो बाद पैसे वापस आते फिर तुम सोचते हो कि यार पैसे भेजे तो 54 के नाल से वापस मैं 48 ना मिलते पे। सो ये सारिया चीज़ा सामने रखते हुए कोई भी पैसा किसी भी तरह का स्टूडेंट तो पहला नहीं लिया जाता, वो पैसे उदो दिता जो वीज़ा लग जाता। बिल्कुल ठीक है अपनी जी, हुण तुसीं जे गल कर रहे थे, मैं भी मन दे विच ख्याल आ रहा है कि बहुत सारे अजिहे बच्चे ने जिहड़े चाहुंदे आ कि सानूं कोर्स सही मिलना चाहिए उहदे लई भावें वक्त वध लग जाए जी, पर उहदे नाल की एक स्टडी दे विच गैप नहीं पै जांदा जे मान लो कि अज प्लस टू कर ली इस साल दे विच पर उहनूं कोर्स मिल रहा एक साल बाद उहदे मनपसंद कॉलेज दे विच जां यूनिवर्सिटी दे विच, उह की उह गैप कवर हो जांदा जे अज अप्लाई करदे की उहते कोई असर पैंदा? देखो ए वी ना हुण ए इक लेमैन दी भाषा है, ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके ना तुसी सोच रहे हो उस तरीके दे नाल स्टूडेंट आके क्वेश्चन भी इदां ही पुछदा, बट एज अ कंसल्टेंट यही जो मैं हुणे कह के टैग कि टेक्निकलिटीज ने बेसिकली गैप नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, गैप की है उनू जे थोड़ा जा उनू सही तरीके ना कह लिए तो एजुकेशन गैप कि मेरी लास्ट पढ़ाई कदों हुई सी और उस तो बाद मैं हुण तक की कीता। क्यों अंबैसी यह सवाल पूछती है? क्योंकि अंबैसी यह जानना चाहती है कि तू 2 साल पहला या 3 साल पहला अपनी प्लस टू या ग्रैजुएशन की, हुण एकदम तू सुता उठा 3 साल बाद दोबारा कहना हुण मैं पढ़ाई करनी चाहना अगे और कैनेडा जाके पढ़ाई करनी चाहना, सो उहदा की रीज़न है, उहदी की जस्टिफिकेशन है? हुण चलो सारे तुहाडे दसे अनुसार कोर्स भी सिलैक्ट हो गया, उत्थों स्टूडेंट इत्थे आ भी गया जी, जिवें आपां गल कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हुंदे आ वो सिर्फ इत्थे आउणा चाहुंदे, कैनेडा आउणा चाहुंदे आ, पैसे कमाउणा आउणा चाहुंदे आ, इत्थे पक्के होण आउणा चाहुंदे आ, जदों इत्थे आ के पढ़ाई घट ते कम ज़्यादा कर दिंदे आ, बहुत सारियां पिछे जिहां उदाहरणां भी हैं जिहदे विच ज़्यादा कम करदे आ स्टूडेंट फड़े गए डिपोर्ट कीते गए, उस मामले विच तुसीं की सलाह दोगे फिर जे तुसीं इत्थे पहुँच जांदे हो ते बतौर विद्यार्थी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ CIC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, TR ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, PR ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਨੀਤ ਹੁਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਈਮੇਲ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ। ਦੇਖੋ 24-hour ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ 9-1-61 92167, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
चाहे इसे नंबर पर ही फोन करके तुसी अपॉइंटमेंट बना सकते हो इस कॉल सेंटर दे वाले नंबर पर ही। मैं अगले 15 दिन होर टोरोंटो एरिया दे विच हैगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट फेसबुक पेज पर जाके क्वेश्चन छड़ दो, उहदा भी जवाब तुहानू मिलेगा। अपने डाउट्स क्लीयर कर लो, एकदम क्लीयर माइंड दे नाल जदों अपना वीज़ा अप्लाई करोगे और इत्थे आओगे दैन सक्सैस अवेट्स यू। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी तुहाडी पनीत जी इन्नी वधिया जानकारी साडे नाल सांझी करन दी। विशा एडा विशाल है कि इनू एक प्रोग्राम में समेटिया नहीं जा सकता। कोशिश करांगे फिर जल्दी इस विषय के उपर होर जिन्नी जानकारी असीं तुहाडे कोलों लै सकीए ते अपने दर्शकां नाल सांझी कर सकीए, तां कि ओह अपने दोस्तां रिश्तेदारां मित्रां दे नाल उस जानकारी नूं शेयर कर सकन ते तां कि उन्हां विद्यार्थियों का भला हो सके जो इत्थे आउणा चाहुंदे ने जां जो आ चुके ने, उह अगों किहड़े पासे जा सकदे आ उन्हां दा वी फायदा होवे। फिर हाजिर होवांगा किसे होर मेहमान दे नाल। तद तक लई मैनूं अवनीत सिंह तेजा नूं दिओ इजाजत। तुसीं देखदे रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना, तुहाडे लई।